क्रम है यहाँ से दिल्ली जथा लेके जाने का है और ये हमारा क्रम लगातार पिछले काफी दिनों से चल रहा है। जिले वाइज जथे लेके जा रहे हैं। आज यमुनानगर का नंबर है और यमुनानगर के जो हमारे हमारे कार्यकर्ता हैं, संजू जी हैं, हरपाल जी हैं, मनदीप जी हैं और हमारे यहाँ की पूरी जो टीम है वो बहुत लगन और बहुत मेहनत से उन्होंने काम करके यहाँ पे आज बहुत बड़ा जथा तैयार किया है दिल्ली कूच के लिए। और ये हमारा प्रोग्राम जो है किसानों में जागृति और सरकार को चेतावने दोनों काम करेगा। 9 तारीख से लेके 13 तारीख तक है और 200 आदमी प्रतिदिन उसमें जाएंगे। वो केवल सरकार को चेताने के लिए है, रोष दिखाने के लिए है। तो आपको क्या जगह प्रदर्शन, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई बात नहीं। देखिए जैसे एक कहावत है, फिर वो रद्दी सी कहावत अब कहूँगा तो छीन लगेगी, लेकिन निर्दयी सरकार है, निर्दयी सरकार है। 550 आदमी मरने के बाद भी जिसको अभी तक जिसकी आत्मा नहीं जागी है, इनकी आत्मा मर चुकी है, शरीर इनके फिर रहे हैं, तो निर्दयी है इसलिए नहीं माननी। कुर्सी तो बीजेपी ने 100 बार लड़के देख लिया, क्या सरकार आ गई थी उनकी? पहले बार में आ गई थी क्या? 100 बार पुराना संगठन है आरएसएस का, अभी तक क्या कर लिया था उन्होंने? गुरु नाम सिंह पर आरोप लगाते हैं, अपने गिरेवान में तो झाड़ झांक के देख ले पहले। और नहीं आएगी, ना आए, मैंने कब कहा मेरी सरकार आएगी? मैंने कब कहा मैं सरकार बनाऊंगा? हमारा एक प्रयास है, लोग मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो ठीक। पहले कौन सा मेरे झंडे झूल रहे हैं? गुरनाम जी ऐसे दिल्ली पहुंच कर सरकार को क्या कहना चाहेंगे? निर्दयी सरकार है, इसमें आत्मा तो है नहीं, इसको क्या कहेंगे? जिसमें आत्मा हो उसको कहें, जिसमें आत्मा है नहीं उसको क्या बोले?